अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे। व्यूअर, आप देख रहे हैं आरएम डिश टीवी इन्फो। व्यूअर, आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूं स्टार सेट के मॉडल 335 एचडी की। ये बॉक्स है व्यूअर, और कमाल का रिसीवर है। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद आपको टी वी पर इसका मेन्यू भी चेक करवाऊँगा। बहुत लेटेस्ट मॉडल है, नया मेन्यू आया है, तो वो मैं आपको चेक करवाऊँगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, लाइक करने के पैसे नहीं मिलते। व्यूअर, आप इसमें 15 मंथ तक चैनल देख सकते हैं जिनके रंग चेंज होते हैं, और एक साल तक बगैर डिश के चैनल भी देख सकते हैं। कमाल का बॉक्स है, 8000 चैनल स्टोर कर सकता है और 4000 इसमें आप फ्रीक्वेंसियां भी ऐड कर सकते हैं, 100 नई सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं। H265 है, HEVC है, कमाल का बॉक्स है। YouTube बिल्कुल इस पर ओके है, और भी इसमें काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। GM स्क्रीन इसमें है और 4G है, दो USB पोर्ट दी गई हैं। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूं और फिर उसके बाद आपको टीवी पर इसका मेन्यू भी चेक करवाऊंगा। तो यहां से आपने इसको कर लेना जी ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें से क्या कुछ मिलेगा मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये दिखाने का मकसद यही होता कि आपको पता चले कि इसमें क्या कुछ मिल रहा है, ताकि जहाँ से भी लें आपको पूरा सामान मिले। तो व्यूअर, दो रिमोट मिलते हैं इसमें, दोनों ही रिमोट एक जैसे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। पहले की नस्बत थोड़े से स्लिम कर दिए गए हैं, और HDMI लीड भी आपको मिल जाती है, साथ वाईफाई एंटीना भी मिलता है, ये भी चेक कर लें। और रिमोट के लिए सेल भी कंपनी देती है साथ, आपको ये चेक कर लें। और इसमें ये एक छोटी सी थैली होती है, इसको आपने ज़रूर इसमें रखना है, ये इसको नमी से महफूज रखती है। अब रिमोट के बाद हम इसका बॉक्स भी चेक कर लेते हैं कैसा है। तो ये मैंने इसकी पैकिंग में से इसको मैं निकाल लेता हूँ, तो ये मैंने उतार लिया है। अब इसके ऊपर से मैं जो इसके कपड़े वो उतार देता हूँ, पैकिंग वगैरह, और देखते हैं कि इसके अंदर से एक बॉक्स कैसा आपको देखने को मिलता है। तो ये जैसे ही मैंने इसकी पैकिंग वगैरह निकाली, तो ये देखें व्यूअर, ये इसका बॉक्स है, और ये नीचे वाली साइड भी आप चेक कर लें, ये साइड वगैरह। अब इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4-5 बटन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और सामने ये पोर्ट भी दी गई है। और इसमें जो कार्ड है वो भी मैं देखता हूँ कि ऑप्शन है या नहीं। और इसकी जो दूसरी साइड है, यहाँ पर आपने तार लगानी है डिश की, HDMI लीड लगानी है, USB पोर्ट दी गई है, और इसमें डायरेक्ट नेट का भी ऑप्शन है, RS232 केबल है, ऑडियो वीडियो का भी इसमें ऑप्शन है, आवाज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये सील भी चेक कर लें। कमाल का बॉक्स है, बहुत ही प्यारा बॉक्स है, और मेमोरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। किसी ने बाय करना हो तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो व्यूअर चलते हैं वीडियो की तरफ के, तो व्यूअर चलते हैं टीवी की तरफ। इसका मेन्यू चेक कर लें। सबसे पहले हम जाएंगे इंसुलेशन में, उसके बाद एंटीना सेटिंग में। एंटीना सेटिंग में जाने के बाद आप यहां से कोई नई सैटेलाइट कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपने ऐड पे जाना है। सबसे पहले सैटेलाइट एंगल आपने लिख लेनी है, जिस भी सैटेलाइट की आपने डिग्री देनी होगी। उसके बाद क्यू या सी बैंड कर लेना है, ईस्ट या वेस्ट कर लेना है, और ओके कर देना है। अब यहाँ से हम नाम भी लिख सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो नाम आपने कोई भी लिखना है, उससे पहले बैक कर लेना है,
लफ्ज़ छोटे बड़े भी आप कर सकते हैं, नाम कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पाक सेट लिख लेता हूँ, जे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो पाक सेट मैंने लिख लिया है, ओके कर देना है। तो ये देखें व्यूअर, नाम भी आ जाएगा, नाम कोई भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जहाँ से आप नई टीपी भी लिख सकते हैं, तो उससे पहले हम चलते हैं एशिया सेट 7 में। तो यहाँ से कोई नई टीपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्विच मैंने लगा ली है, टीपी और अब हम जाएंगे सेटिंग में, और सिस्टम सेटिंग में सबसे पहले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा बॉक्स है, किसी ने भी बाय करना हो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, नए पुराने बॉक्स एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहां से कोई चेंज भी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ये नया ग्राफ आ गया है। और OSD सेटअप है ये भी पहले जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कर दिया उन्होंने। CH मैक्स सेटिंग ऑफ़ कर लें या ऑन कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और लॉक भी लगा सकते हैं यहाँ से, कलर सेटिंग कर सकते हैं, 3G वाईफाई IP और भी टाइम सेट कर सकते हैं। अबाउट STB है, तमाम डिटेल आपको बॉक्स की यहाँ मिल जाती है। अब होम में चलते हैं, बैक एडिट चैनल भी कर सकते हैं, ओके का बटन प्रेस करना है, टीवी चैनल पे जाना है। यहाँ से आप कोई भी चैनल मूव, डिलीट, लॉक, रीनेम वगैरह कर सकते हैं, जो भी करना है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ओके का बटन प्रेस कर देना है, तो हो जाएगा। इसी तरह आप रेडियो भी कर सकते हैं, फेवरेट भी कर सकते हैं, और चैनल भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करने के बाद फिर दोबारा यहाँ से कर सकते हैं इस्तेमाल। ICS कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, IKS, और भी इसमें काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। तो YouTube भी इसमें है, नेटवर्क ऐप हैं, USB देख लें, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगी, नेटवर्क भी है, और भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ मिल जाता है। बहुत ही प्यारा बॉक्स है, और DLNA का भी इसमें ऑप्शन है, वेदर भी आप देख सकते हैं, अपडेट भी आप कर सकते हैं इसको ऑनलाइन, और भी काफ़ी इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नेटवर्क ऐप ये चेक कर लें, आपको काफ़ी कुछ जहां मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं। तो नेटवर्क पे जाएंगे तो बहुत अच्छा रिसीवर है। तो ये छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।